दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीलेश उपाध्याय। एक बार फिर से आपका स्वागत है मंथन टीवी सोशल एपिसोड में। दोस्तों आज हम आए हैं श्री भगवती की रिपोर्ट करने के लिए, और यहां पर आज माता जी की बहुत भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा तकरीबन 1-1.5 घंटे तक चलेगी, और इस शोभा यात्रा के दौरान काफ़ी भाविक भक्तों ने नाचते गाते माता जी की शोभा यात्रा निकाली, और माता जी को मंडप तक, यहाँ मंडप तक लेके आने में वो रवाना हो चुकी है। देखते हैं शोभा यात्रा में क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद हम जानेंगे कि आगे आने वाले 8 दिनों तक यहाँ का क्या प्रोग्राम है।
हे यस ब्रदर दादा साहब तो साल से ये नवरात्रि महोत्सव सेलिब्रेशन बना रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है। मतलब 33 साल से आप समझिए कि लगातार यहाँ पर ऐसा ही भव्य आयोजन हो रहा है आपकी तरफ से। और आने वाले दिनों में जो आने वाले आज की शुरुआत हो रही है, क्या क्या रूपरेखा है? कुछ ना ब्लड कनेक्शन फाउंडेशन कैंप भी रखा है। आने वाले दिनों में हमारा 9 दिन का नवरात्रि और दशहरा ऐसा पूरा कार्यक्रम रहता है।
आठवें दिन यानी आज रविवार है, अगले रविवार 6 अक्टूबर को ब्लड डोनेशन कैंप और माताजी का हवन, अष्टमी हवन यानी महायज्ञ का आयोजन किया है श्री भगवती सेवा मंडल ने। और ब्लड डोनेशन कैंप में हर साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करता है, उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप, डेंटल फ्री चेकअप वगैरह का हम लोग कैंप कर रहा है और पूरा निरुल भर सार्वजनिक सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और हर साल अंदाजित 100-125 डोनर ब्लड डोनेशन देते हैं। केरना मेडिकल हॉस्पिटल की टीम, डॉक्टर टीम पूरी ये कर रही है, मतलब काफी सहयोग से, काफी सहयोग से और जनता का भी काफी सहयोग है। और ये नवरात्रि आयोजन आधुनिक समय के हिसाब से पूरी अरेंजमेंट, सिक्योरिटी, सीसीटीवी और सब पूरा सहज है और सुरक्षित। और नवी मुंबई में हमारा ये गौरव से हम कह सकता है कि पूरा नवी मुंबई में नंबर वन श्री भगवती सेवा मंडल नवरात्रि उत्सव मना रहा है। बोल श्री अम्बे माता की। तो हमारी पूरी शुभकामना है पूरी टीम के साथ। और जैसा इन्होंने कहा कि सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, सुरक्षा का ध्यान रखते हुए संगीतमय यात्रा माताजी की स्थापना हुई है, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आने वाले दिनों में हम यहां का आपको और दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।